हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रियलमी 12X 5G फ़ोन है, तो रियलमी 12X 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फिंगरप्रिंट लॉक को कैसे आप डिलीट कर सकते हैं या फिर कैसे रिमूव कर सकते हैं फिंगरप्रिंट लॉक को, तो आज हम बताने वाले हैं कि फिंगरप्रिंट लॉक रिमूव कैसे कर पाएंगे और कैसे आप हटा सकते हैं फिंगरप्रिंट लॉक को रियलमी 12X 5G फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही और आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से सेटिंग्स पे जाना हो, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो फिंगरप्रिंट लॉक को आप रिमूव कैसे कर सकते हैं और कैसे हटा सकते हैं, तो सिंपली सेटिंग्स शो हो रही है तो आपको इस पे जाना होगा। प्राइवेसी सेटिंग्स पे, तो प्राइवेसी पे जाना है। प्राइवेसी पे जाकर इस तरीके से प्राइवेसी सेटिंग्स भी आ जाएगी, लेकिन आपको बैक करना है क्योंकि आपको जाना है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे। तो यहाँ पर आपके पास पासवर्ड एंड सिक्योरिटी ऑप्शन आते हैं, जहाँ से फिंगरप्रिंट एंड फेस लॉक भी आप लगा सकते हैं, स्क्रीन लॉक भी लगा पाएंगे और प्राइवेसी पासवर्ड भी लगा सकते हैं। तो हम अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक को हटाना चाहते हैं, तो फिंगरप्रिंट लॉक पर जाना है एंड पासवर्ड डाल देना है, जो भी फिंगरप्रिंट लॉक का पासवर्ड है डाल देना है। इस पर डालते हैं, आपके पास सेटिंग्स आते हैं फिंगरप्रिंट सेटिंग्स की, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट लॉक को रिमूव करना है तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। इस तरह डिलीट करते ही फिंगरप्रिंट लॉक आपके फ़ोन से हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, जो आपके फ़ोन पे शो नहीं करेगा। एंड आप फिंगर्स को ऐड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके ऐड भी कर सकते हैं और फिंगरप्रिंट लॉक को हटा भी सकते हैं। और जैसे आप ऐप लॉक में फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं या फिर प्राइवेट सेफ गैलरी फिंगरप्रिंट लगाना चाहें, तब लगा पाएंगे। तो इस तरीके से फिंगरप्रिंट लॉक को आप रिमूव कर सकते हैं और हटा सकते हैं रियलमी 12X 5G फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें।